हे गाइस, वेलकम बैक टू पूनम चौबे ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे बच्चों को बहुत तेज़ से भूख लगी थी और बाहर की चीज़ें बच्चे का बहुत मन होता है खाने के लिए, पैसे मांग रहे थे मुझे, दो मैं बाहर से लाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं घर में बनाती हूँ, और फटाफट मैंने ये बनाया जो कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ। हम बचपन में बहुत ही खाए हैं और अच्छा बनता है। आप भी कोशिश करिए कि बच्चों को बाहर की चीज़ें मत दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही बनाइए। तो हमने ले लिया है गेहूँ का आटा और थोड़े से ये हमारे कुछ सामान थे गेहूं के आटे से। दो मैंने दो बॉल्स ले लिए हैं, जैसे रोटी बनती है उससे थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी, जितनी रोटी बनाते हो आप उससे थोड़ी सी मोटी आप ले लेना। दो रोटियां आप बराबर इक्वल में बिल्कुल उसको रोटी के बराबर बिल्कुल अच्छे से बेल लेना। उसके बाद ये है हमारी फ्रेश मलाई, जो कि घर की आज सुबह ही मलाई ये निकली थी फ्रेंड्स, तो हमने ये मलाई ले ली है। आप दो दिन तीन दिन की मलाई बिल्कुल मत लेना, सुबह फ्रेश मलाई है ये घर में। और उसके बाद हमने अच्छे से रोटी पे पूरी तरफ से अच्छी तरह से मैंने कवर कर दिया, उसको फैला दिया है। ये देखिए हमने अच्छे से फैला दिया और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। प्लीज़ फ्रेंड एक बार इसको बनाइए। और ये है गुड़ पाउडर, जैगरी पाउडर इसको है, आप चीनी भी डाल सकते हैं, बट ये गुड़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आता है और बच्चों को भी आए पसंद ही आया मेरे, तो मैंने इसीलिए जैगरी पाउडर डाला। ये गुड़ का पाउडर है, आप चाहें तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। और ये है वाइट तिल, वाइट तिल से बहुत ही टेस्ट आता है इसका, अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें वाइट तिल डाल दिया है, थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया, जो कि बच्चों के लिए आपको पता है बहुत ही हेल्दी है। तो हमने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, कुछ बादाम, पिस्ता और काजू, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल बिल्कुल पतले पतले टुकड़ों में करना लच्छेदार। और ये दूसरी रोटी है, हमने इसको दूसरी रोटी बिल्कुल अच्छे से कवर कर दी। हमने बचपन में बहुत ही खाए हैं, बचपन में तो चूल्हे पर बनता था और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल सौंधी सौंधी सी लगती थी। और घर के मलाई तो फिर गाँव की मलाई तो बहुत ही अच्छी होती है, ये तो थोड़ा सा बटर बटर वगैरह जो बनता है, मक्खन वगैरह उसी तरह है हमारी। ये तो मलाई की तरह ये बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, ये खाने में आपको जैसे आप बटर खाते हो, बटर रोटी, घी रोटी, बिल्कुल वैसे ही इसके टेस्ट आएंगे। और गुड़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसे चम्मच से थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से इसको चिपका देना फ्रेंड। सबसे बड़ी बात कि आप चारों तरफ से उसको अच्छे से चिपकाना, ये चिपकना चाहिए बहुत ही अच्छे से। हमने चिपका दिया है और तवा पर हमने इसको रख डाल दिया है, बहुत ही आराम से करना ताकि ये अंदर पूरा मेल्ट हो जाता है। हमने ऊपर से घी लगा दी है, देसी घी हमने अच्छी तरह से इसको लगा दिया है। ये बिल्कुल अंदर जो है मलाई भरा हुआ है तो इसलिए मलाई भी मेल्ट हो जाती है। तो बिल्कुल आराम आराम से करना फ्रेंड्स इसको, आप बिल्कुल फटनी नहीं चाहिए साइड साइड की जो है रोटी। आप देखिए बिल्कुल मेरी फटी नहीं है साइड साइड की जो रोटी है, उसको अच्छे से चिपका देना हमारी अच्छी तरह से। आप बिल्कुल लाल होने तक बिल्कुल अच्छे से सेक लेना इसको, बच्चे अच्छे से काट के ट्रायंगल शेप में, आप कोई भी शेप में इसको कट करके देंगे जो बहुत ही अच्छे से खाएंगे। देखिए दोनों साइड से हमारे बिल्कुल अच्छे से लाल हो गया, बहुत ही आराम से आप धीरे से प्लेट में इसको निकाल लेना। और ठंडा होने पे दोनों साइड से बिल्कुल लाल हो गया है, ठंडा होने पे ही इसको कट करके देना फ्रेंड्स बच्चों को, वरना गर्म गर्म ये जो गुड़ है ये मुँह में चिपकेगा, इसलिए तो इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप इस ये बच्चों को देना। तो हमने अच्छी तरह से इसको कट कर लिया, ये थोड़ा सा मेरा ठंडा हो गया और उसको हमने अच्छे से कट कर लिया है और बच्चों को दिया। बच्चों पे बहुत प्रेम से खाए, बोले मम्मा ये कहाँ से सीखा आपने? मैंने कहा बचपन में मैंने बहुत ही खाया है, चीनी की रोटी, मलाई की रोटी, ये सब मेरी दादी बहुत बना के हम लोगों को खिलाई है फ्रेंड। तो ये आप भी बनाइए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बच्चों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर में ही बनाइए। ये देखिए मैं अंदर भी आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना, ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के ड्राई डेकोरेट कर दीजिए आप, बहुत ही टेस्टी बना। अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये देखिए मैं अंदर भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर का ये हालत है इसकी, लेकिन खाने में ना लग रहा था बटर रोटी खा रहे हैं। थैंक यू गाइस।